चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, प्रसिद्ध डांसर और अभिनेत्री सपना चौधरी की मां बनने की खुशी में उनके भाई और पीआरओ चरण सिंह सहरावत ने दिल्ली में न्यूज इंडिया के ऑफिस में आकर सभी को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया है। इस अवसर पर न्यूज इंडिया के दिल्ली ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा ने सपना चौधरी के भाई चरण सिंह सहरावत से खास बातचीत की। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत पावन तिथि है कि आज इस परिवार को पुत्र की प्राप्ति हुई है। मेरी ओर से मामा जी ने हमारे को मुंह मीठा कराया, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। परिवार से हमारा पुराना ही प्रेम और स्नेह बना हुआ है, उसी अनुसार ये लोग आए और मुंह मीठा कराया। अपना जी के पुत्र रत्न की प्राप्ति पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। आज इस अवसर पर उनके मामा जी ने हमें जो मिठाई खिलाई है, ये वास्तव में पूरे परिवार के लिए खुशी का अवसर है। हम सब उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। मेरे साथ मौजूद है चरण सिंह सहरावत, जो सपना चौधरी के भाई हैं। आज वो न्यूज इंडिया ऑफिस आए और सबको मिठाई खिलाई है उन्होंने अपनी बहन के बेटा होने पर। पहले तो चरण, आपको धन्यवाद जी। नमस्कार जी। आज कैसे आना हुआ वो बताएं। आज खुशी का माहौल था तो सोचा कि न्यूज इंडिया इतनी अच्छा चैनल है, इतनी अच्छी खबरें चलाते हैं हमारी, तो सोचा कि उन्हें मुंह मीठा करा के आना चाहिए, तो आ गए। चरण, जो सवाल उठ रहे थे कि सपना के बेटा कैसे हो गया, शादी का नहीं पता लगा, उस बारे में क्या बताएंगे? मैं आपको बता दूं, वीर साहू जी और सपना जी की शादी जनवरी में हुई थी और इन्होंने कोर्ट मैरिज की थी चंडीगढ़ में, और सोचा था कि कोर्ट मैरिज करने के बाद हम लोग पार्टी करेंगे, अच्छे से सबको बुलाएंगे, सारी चीज़ें होंगी। जैसे कि आपको पता है, सपना जो भी करती हैं तो मीडिया को साथ लेके चलते हैं, हमेशा मीडिया के साथ सारी चीज़ें ओपन रखती हैं। ये थे चरण सहरावत, जो बता रहे थे खुशी इतनी है कि अभी सबको बता देना चाहिए। उस समय कुछ निजी समस्याएं थी जो ये सबको बता नहीं पाए थे। कैमरामैन अंकुश के साथ प्रशांत शर्मा, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।